आगामी 24 नवंबर को मंडी स्थित पडल मैदान में मंडी जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग के द्वारा विशेष खिलाड़ियों की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिला खेल अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि इस खेलकूद प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मंडी जिला खेल अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि 24 नवंबर को मंडी स्थित पडल मैदान में विशेष खिलाड़ियों के लिए जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 13 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के खिलाड़ी ब्रॉड जंप, स्किपिंग, वॉची और 50 व 100 मीटर की रेस में भाग लेंगे और इसके साथ ही 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के खिलाड़ी 100 मीटर, 200 और 400 मीटर की रेस में भाग लेंगे। सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे जो कि 2 और 3 दिसंबर को मंडी में ही आयोजित की जाएगी। सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करने का उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना व उन्हें अभिप्रेरित करना है ताकि वे समाज की मुख्य धारा में कदम से कदम मिलाकर चल सकें। हिमाचल युवा सेवा एवं खेल विभाग के द्वारा मंडी जिले में जिला स्तरीय अक्षम विशेष खिलाड़ियों की प्रतियोगिता 24 तारीख को तय की गई है, जिसमें HPISA सुंदरनगर, डाइट हिमालय विकास सोसाइटी और श्लोक नागचला श्लोक मंडी के प्रतिभाग की इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और 2 और 3 तारीख को यहाँ पे राज्य स्तरीय इसी टाइप की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है विभाग के द्वारा, जिसमें लगभग पूरे जिलों से 350 के आसपास खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और मंडी जिले में डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो खिलाड़ी चयनित किए जाएंगे वो ही स्टेट में भाग लेंगे। सर, कौन कौन से गेम्स हैं इसमें? इसमें गेम्स हैं 13 से 17 साल के 2 वर्ग में ब्रॉड जंप, स्किपिंग, बोची रेसेस, 50 और 100 मीटर और बैडमिंटन तथा 18 से 35 वर्ग में बॉयज़ और गर्ल्स में 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस और 400 मीटर रेस का आयोजन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, केचनाल मंडी।